हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारी बेबी, आपकी भांजी भतीजी जो आप बोलना चाहते हो, आप मौसी हो, बुआ हो, तो आप ज़रूर बताइए कि क्या क्या आप बोलना चाहोगे, तो वो आ रही है फाइनली। और आज है मंडे और ये जो अभी वीकेंड गया है तो उसको उसने तब आना था घर पे, बट क्या हुआ, उससे पहले हमारा सैनिटरी का थोड़ा सा घर पे काम चल रहा था और वो डिले कर रहे थे और वो अभी फाइनली हो रहा है और 3-4 दिन और चलेगा। तो इसकी सो फिर हमने सोचा कि हम लोग उसको लेके आएंगे इस वीकेंड। और अभी अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, हमारे पास बहुत काम करने वाले हैं और काम निकल ही आई जा रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी घर पर डीप क्लीनिंग भी चल रही है, तो शाम को थोड़ा सा मैं धीरे धीरे हेल्प करवाती रहती हूँ इन लोगों की और इनसे काम करवाती हूँ, दीपक से। हाय दीपक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको एक बात बतानी थी कि मैं रोज़ दीपक को ये बोलती थी हॉस्पिटल आते हुए पंजाबी में, बताती क्या बोलती थी डांस वाली बात, फटे चक दो, फटे चक दो। नहीं, मैं बोलती थी कि दीपक, और रोती भी साथ में खुशी के आंसू होते थे कि दीपक जिस दिन एम्बर घर पे आएगी मैं इतना नाचूंगी, क्योंकि मेरे को डांस तो आता नहीं है। मैंने कहा जिस दिन वो घर पे आएगी मैं इतना नाचूंगी, इतनी खुश होंगी, और वो फाइनली दिन आ रहा है। सो गाइस, बी रेडी टू वॉच टेरिबल डांस। नहीं, मतलब ये है, और अभी मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही आपके साथ, तो मिलती हूँ बाद में आपको। अभी हम लोग हॉस्पिटल आए हैं वैसे, हॉस्पिटल आए हैं या तो बस अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, क्योंकि घर पे उसको मैंने अभी करना है हैंडल। तो चलो मिलती हूँ। हाँ, सो गाइस, मैं हेयर कट करवाने के लिए आया हूँ बाहर, तो काफ़ी गर्मी हो गई है तो मेरे बाल थोड़े काफ़ी बड़े हैं लेंथ वाइज, तो मेरे को थोड़ा समर कूलर हेयर कट चाहिए, तो मैंने कहा अभी मैं जल्दी आ गया हूँ इस बार, वैसे एक या 1.5 मंथ के बाद आता हूँ, लेकिन इस बार मैं जल्दी आ गया, काफ़ी गर्मी लग रही है इन बड़े बालों में। सो आई गेट सम कूलर हेयर कट फॉर समर्स एंड या कैच यू लेटर। सो गाइस, दिस इज इंतजा, इज गोइंग टू डू माय हेयर कट। तो हर बार मेरा यही हेयर कट करते हैं और इनका हाथ अच्छा है हेयर कट के लिए। सो थैंक यू। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे अभी बजे यही 11 बजे है। अभी हम लोग आए हैं डी मार्ट से वापस और अभी हॉस्पिटल जा रहे रास्ते में ही हैं, तो अभी थोड़ा सा घर का सामान लेना था, बास्केट वगैरह, लॉन्ड्री बास्केट वगैरह, एम्बर का थोड़ा सा सामान छोटा मोटा, बाकी वही लेके आए हैं सामान। तो दीपक थोड़ा सा सैड है, सैड तो नहीं है, क्वाइट है, मतलब सॉरी सैड गलत वर्ड बोल दिया मैंने, क्वाइट है। तो फटाफट काम कुछ ना कुछ मतलब निकल आ रहा है, काम ये भी कर ले वो भी कर ले काम, अभी उसकी बेडशीट लेनी है, चल चल के पैर दुखने शुरू हो गए। हाँ, कुछ लिया नहीं अभी तक दीपक, मुझे स्पा चाहिए, स्पा चाहिए, और अभी विंडोज और फैन साफ करने हैं, तो अभी पहले तो सर करते थे, अभी सर के भाव बढ़ गए हैं, सर बोल रहे हैं कि अभी मैं फादर बन गया हूँ, मेरी थोड़ी सी क्या कहते हैं पोजीशन हाई हो गई है, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ये क्या बात है, तो अभी नहीं करोगे? हाँ, फिर मैंने किसी को बोला कि ये कोई ढूंढ के दे दो जो कर दे अभी फॉर टाइमिंग है ना, बाद में दीपक ही करेंगे, तो मुझे बोलते जितने पैसे उसको देने तो मुझे दोगी तो मैं कर दूंगा। लुक एट हिम, उसने बोला 800 रुपये, मैंने बोला 500 रुपये, फिर मैंने सोने को बोला मुझे 602, मामला खत्म करो सी। तो अभी करेंगे नहीं दीपक, बट फिर भी तो सोनिया पैसे नहीं दे रही है, मैं क्यों करूंगा। तो अभी ऐसे चल रहा है। ओके चलो, अभी बाकी रोज जब तक ये व्लॉग बनेगा 3-4 दिन का आई थिंक कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टोरेज चाहिए, तो इसलिए हमने ये अमेज़ोन से मंगवाया है, तो अभी दीपक इसको असेंबल कर रहे हैं। ये स्टोरेज बॉक्स है बेसिकली, लाइट कलर में, जनरली बहुत डार्क कलर में आते हैं, बट मुझे ये सटल कलर चाहिए था,
तो ये अभी दीपक इसको फिक्स कर रहे हैं। So this is diaper section, socks और bibs वगैरह है, caps हैं यहाँ पे and here are swaddles। तो ये washed है अभी एक और बाकी अभी नहीं मैंने करे wash। तो ये है थोड़ा सा section, नीचे वाला भी रहता है थोड़ा सा medicine वगैरह के लिए। So guys, the preparations are in full swing to bring baby back home और उसके लिए एवरीबडी इज़ वर्किंग। मैं भी अभी बेबी के लिए जो क्रिब लिया था उसको सैम्पल करने लगा हूँ और इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट चेक इट आउट। और ये जो मैट्रेस है ये भी मैंने मतलब अलग शॉप से बनवाया है, थोड़े गंदे हाथ लग गए हैं। तो ये मेमोरी फोम का बनवाया है और इस पर ये इन्होंने कपड़ा लगा के दिया है साथ में। और अभी मैं इस पर ये बेड शीट बिछाने लगी हूँ, ये वाली जो मैंने वॉश कर ली है, तो ये है। और इसके ऊपर आपको दिखाती हूँ, ये है मस्किटो नेट के साथ उसका बेड। सो फाइनली जो प्रेपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो गई हैं, 1% रह गए जो सुबह सुबह करनी है, स्वीट्स वगैरह लेके आनी है और फ्लावर्स वगैरह सुबह लगाने हैं, तो जो बाकी ब्लॉग में देखोगे। और वो हमारा बेबी का क्रिब रेडी है, तो वो हालांकि बेडरूम में जाएगा, बिफोर टाइमिंग हमने यहाँ पे रखा है। तो आज मैं बेडरूम से बाहर जाऊँगा नहीं नहीं नहीं, तो फाइनली आज का दिन के बाद हमारी बेबी हमारे घर में आ जाएगी फाइनली, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। और एम्बर बहुत किस्मत वाली है कि उसको आप जैसे लोग मिले जो इतना प्यार करते हो, इतने वेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू विद योर ऑल बेस्ट विशेस एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स। शी इज कमिंग होम वेरी सून एंड आई थिंक हैप्पी डे टुमारो, या बाय।